तो दोस्तों जब तक इस गाड़ी में काम हो रहा है, अलॉय व्हील लग रहे हैं, तब तक इस भाई से रिव्यू ले लेते हैं। और गाड़ी बोल रहा हूँ चला के थोड़ा सा दोस्तों में रिव्यू दो। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो चलाओ। अभी ईशु भाई लेह लद्दाख से जस्ट आए हैं। मेरे से पहले स्कॉर्पियो खड़ी है, इसमें लगे हुए थे। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है इनका, थार वाले अलॉय चला के जस्ट उतरे हैं स्कॉर्पियो से, और अपने वाली में भी चेंज करवाए थे। तो आप लोगों को इससे अच्छा रिव्यू नहीं मिल सकता फ़र्क का, अभी कैसी गाड़ी चल रही है और पहले कैसी चल रही थी। तो अभी आपको ईशु भाई सारा कुछ डिटेल में बता देंगे, तो सब कुछ बताना आपको, उसमें क्या हो रहा था, इसमें कैसा फील हो रहा है, सारी चीज़ बताना। ठीक है भाई जी, ठीक है, चलो जी आप बताओ। तो एक तो क्लच लाइट है, बैठते हैं सबसे पहली बात है क्लच इसकी अलग लाइट लगी, शायद वो चला चला के होगी उसमें हार्ड। स्टेयरिंग इसका अलग, सीधा हो जाए सीधा, कितना यू टर्न मार लो, टचिंग की तो छोड़ो, लाइट गाड़ी लाइट कितनी चल रही है, गाड़ी ज़्यादा लाइट चल रही है। उन टायरों में ये चीज़ होती नहीं थी, ऑलमोस्ट अपने आप सीधा हो जाए, और लगभग 90% ही होता है ना, 90% इतना बहुत है, कोई भी गाड़ी उतना ही होता है। सस्पेंशन भी सॉफ्ट है इसका उसके कंपैरिजन में, इस ब्रेकरों के ऊपर, हाँ ब्रेकरों के ऊपर भी पता चल गया ना। ठीक ठीक और जो रोड नॉइस अंदर आया करती, जिसके लिए डैम्पनिंग की जरूरत पड़ रही थी, अब इसमें तो वो खत्म ही होगी। टायर नॉइस बिल्कुल नहीं, हाँ टायर नॉइस बिल्कुल नहीं। और जो इसका क्रॉलिंग वो है ना, क्रॉलिंग स्पीड, वो भी मतलब उस पर भी लोड नहीं पड़ रहा है इंजन पर। जैसे कोई से भी गियर में आप लगा दो, तो मेरी वाली गाड़ी है जो, वो एक बार को उठेगी, मतलब पूरी जान लगा के उठेगी, वेट कम है ना इसका, टायरों का वेट कम है। देखो आप क्रॉलिंग बढ़िया कर रही है, उसमें दिक्कत हो रही थी। आरपीएम मेंटेन रखना, हाँ आरपीएम मेंटेन है, 1000 अपने आप चल रही है, 1000 भी नहीं 800, उसमें आपको जोर पड़ता है, उसमें गाड़ी एक बार को पुल लेगी, क्योंकि वो मेंटेन करनी है स्पीड, इसमें ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रही है 10-15 की स्पीड पे। गाड़ी नीचे भी फील हो गया प्लांटेड, उसमें तो एक्सट्रीम हाइट हो गई थी 25 mm के कारण, चढ़ना उतरना बहुत इनग्रेस एग्रेस मुश्किल हो गया था। ऊपर चढ़ो फिर सीट का ये बेंड हो जाएगा, ज़्यादा खींचोगे तो आप क्लाइंब करना पड़ेगा उसमें। 25 mm का राउंड क्लियरेंस बढ़ा हुआ था ना, 25 mm बढ़ गया था उसका। लाइट वेट इंजन फील हो रहा है इसका, लाइट वेट जो मेरे में बहुत बहुत फोर्स लगा हुआ जो है ना, ये चीज़, हाँ ये चीज़, ये उसमें पावर लैग फील हो रहा करता, थोड़ा RPM ज़्यादा से 2500 RPM है उसके पर, 1800 RPM के बाद अंदर आवाज आने लग जाती है, इसके 2000 के बाद आने लग गए इंजन की आवाज। ये तो आपने मतलब डीपली फील किया है, हमें हर चीज फील करी मतलब उसकी। देखिए मैंने, आप देखिए, आप कभी चला गए, अब तो उसके बदलवा दिए, 1800 RPM के बाद उसके अंदर नॉइस आने लग जाया करता टायरों की वजह से, क्यों हैवी हो गए, प्लांटेड चल नहीं रही थी। ये है थोड़ा बॉडी रोल इसका आया है थोड़ा सा, छोटे मोटे सड़क में बॉडी रोल कम था, कम था क्योंकि वो थे ना उसमें, तो ऐसे लग रहा है ये जैसे अभी घुमा रहे हैं ना, हाँ। तो पहले वो ज्यादा टेढ़ी होती थी, टेढ़ी तो है अगर वो ज्यादा टेढ़ी, पर जो जैसे ये बंप से ना हल्के फुल्के से, अच्छा। इसमें वो डोल रही है, उसमें नहीं डोल रही, क्योंकि सस्पेंशन टाइट था, तो पूरी साइड चली जाओगी, अच्छा अपने आप साइड चले आते, टायर चौड़े थे एक साइड ले जाया करता गाड़ी ने। और जो लेह में लद्दाख में जो पेंगोंग से आते टाइम टूटा हुआ रोड है, उस रोड पे जब ब्रेक मारे ना, मतलब जैसे उबड़ खाबड़ पे, तो गाड़ी रिपट गई और इस साइड से ब्रेक में आवाज आने लगी थी उसमें, ये राइट साइड में बस यहाँ से यू टर्न ले लो, एक बार वो और बता देना दोस्तों को, यू टर्न और चेक कर लेना कैसा फील हो रहा है उसमें, कैसा होता है। देखो 100% पे 1% टचिंग नहीं है इसकी, उसमें तो वो रगड़ खाया करता ना उसके आम पे, आम चेसी पे, तो 2000 RPM वाले एक बार और देख लू। बहुत ही लाइट वेट है वो, सिक्स गियर में क्रॉलिंग और चेक कर लो इसकी, इसकी क्रॉलिंग देख लो आप, सिक्स गियर में 40-50 मेंटेन रख रही ना,
उसकी 50 जाओगी, फिर 40 आओगी, फिर 50 जाओगी, बार बार अप डाउन करना पड़ता था, इंजन को ज़्यादा लोड पड़ रहा था। हाँ, ये नॉइस उसमें कंटिन्यूसली आया करती, जो पुल ले रही है ना, ये पुल जो खींच रही गाड़ी, 50 आ गई अब स्पीड। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्मूथली निकल रही है। उसमें तो ज्यादा वो आ करता, मोशन ज्यादा था उसमें, उसमें तो अलग ही लेवल पे स्टिफनेस थी सस्पेंशन में ना, उसके सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ था। सस्पेंशन इसका काफ़ी स्मूथ हो गया, पूरा व्हील अंदर जाने का वो स्पेस मिल गया ना व्हील ने, व्हील ऊपर नीचे होने का जो स्पेस है वो कंपनी जो बना के दे वो प्रॉपर है, ओवर साइज टायर का कोई यूज़ नहीं है 1% भी, और थार वाले तो रिकमेंड करने ही नहीं किसी से। तो आपके फीलिंग के हिसाब से सस्पेंशन भी बेटर हो गया? सस्पेंशन बहुत बढ़िया हो गया उसका, वो ज्यादा स्टिफ है उसका, उसकी राइड क्वालिटी मतलब थोड़े से बम्प होंगे ना वो बॉडी में फील होंगे, सस्पेंशन तो एब्जॉर्ब करता ही नहीं कुछ। जो इनिशियल पिकअप है ना उसमें भी बहुत फर्क है, उसमें ज्यादा लोड पड़ा था इंजन पे, मतलब काफी नुकसान कर रहे थे अपने को, थार बिल्कुल ज्यादा दुखी कर रहे थे। जब से ली टचिंग की थी मैं, ठीक है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, मैं भी यही सोच के संदीप भाई की तरह भाई वो हो जाएगा गुड्डी घिस जाएंगी तो फिर टचिंग बंद हो जाएगी, वो कुछ नहीं होना उसका, वो घिसते नहीं है, गुड्डी टच नहीं होती उसकी, जो जो वो था टर्न उसका टायर का कर्वेचर सा वो टच होया करता, उस पर गुड्डी टच नहीं हुई मेरे कदे भी, मैंने उसको वैसे दिखा रखा है वीडियो में, गुड्डी का साइड वाला हिस्सा, हाँ साइड वाला हिस्सा, तो सोचा था वो कम हो जाएगा जो लाइन सी है ना टायर वाला लाइन, वो टच आ रहे थे, तो काफी लाइट फील होगा, काफी लाइट, काफी लाइट वेट फील होगा गाड़ी चलाने में, मोड़न में तोड़न में काफी बढ़िया, मतलब सही है प्रॉपर। हाईवे पे तो टेस्ट कर लियो आप एक बार इसने चला गए, हाईवे का मैंने बोला है भाइयों को बिल्कुल जो रियल रिव्यू है, हाँ वो दे दो, हाईवे पे एक बार चेक कर लियो, कोई भी नुकसान होता 1000 किलोमीटर चला के फिर देंगे, ये 6000 पे चलाए अपन, 6000 पे डलवाए हैं, 7000 पे एक इसका क्लियरली जो रिव्यू होगा ना वो देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए क्या बोलना चाहोगे? प्रॉपर है आप, थार के जिस लगवा रखे ना उतार लो, कोई यूज़ नहीं, वो टचिंग मारे मारेंगे और बहुत परेशान करेंगे, सस्पेंशन से लेके बॉडी की स्टेबिलिटी वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाए। अपने एक अभी सब्सक्राइबर और हैं, हाँ जी भाई, अभी बात हुई थी उनसे आज ही, हाँ जी, तो उनको क्या बोलो, कल लगवाए उन्होंने थार वाले और मैंने मना भी किया था, अभी चेंज करा लो भाई, कोई यूज नहीं, थोड़ा आगे कर लेना, फिर बाद में वो कटेंगे तो महंगे, बाद हाँ कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कट फिट हो गया उसमें तो महंगे जाऊंगे, मतलब कम पैसे में जाएंगे आपके, अब बढ़िया रिप्लेस करवा लो उसको, दिक्कत हो जाएगी नहीं, बहुत दिक्कत होगी, सारी चीज़ पे फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ पे भी ना, आपका स्टेबिलिटी, सस्पेंशन का मोशन, टायर का पूरा जो जितना व्हील वेल में गैप है वो उतना कंपनी ने दे रखा है भाई ऊपर नीचे टायर जा सके, वो टचिंग मार जाता अंदर पीछे तो कितना गैप है उसके बावजूद टचिंग मार जाती, वो लद्दाख में फेल हो गए थे वो टायर। तो फाइनल वर्ड और बता दो भाई, जिसके पास भी थार के अलॉय है ना, अलॉय तो प्रॉपर है उसके, टायर आप चेंज करा लो, अगर आप थार के लगवा के स्कॉर्पियो, टचिंग मारेंगे प्रॉब्लम दे रहे देवेंगे ऊपर नीचे जो मोशन है, पीछे भी मैंने सोचा था पीछे कदर टचिंग नहीं होगी, पर पीछे ज़्यादा टचिंग थी, जब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग रहा वेट के साथ अगर आप चलोगे गाड़ी तो बहुत टचिंग है उसमें पीछे, और वो व्हील वेल में, उससे आपके सस्पेंशन तो ठीक है, उसके बाद आपके इसमें मोशन में पूरी बॉडी के उसमें झटका बन जाएगा, कहीं ना कहीं लचक बन गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं भी है ना रियर व्हील का मैंने भी जब ये चेंज करवाया तब देखा कि इसमें टच टचिंग थे वो, हाँ तो मेरे को कोई फील नहीं हुआ, मैं लद्दाख ट्रिप पे पता लगा कि पीछे भी टच मारे हैं, हाँ वैसे नॉर्मल पता लगा, नॉर्मल नहीं पता लगा कहीं, आगे तो थे, आगे की तो सारी रिबिट विबिट फाड़ रखी है उसने, टच मार मार के ऊपर प्लास्टिक घिस दिया पूरा, ये है तो रिव्यू अपना। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोगों को भाई का रिव्यू से काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हेल्प भी मिली होगी जिन भाइयों ने लगवा लिए हैं, तो हमसे गलती होगी थी दोस्तों, हमने अपने बता बिल्कुल बिल्कुल क्या दिक्कत है, तो हमने सच्चाई बता दी है, अब आप लोग अपना टेस्ट कर लिया हमने, कोई मतलब कोई यूज नहीं है उस चीज का, जो कंपनी ने दिया वो प्रॉपर, आप एरर 7% का एरर था उसमें, 7% बहुत दिक्कत हो जाए।
तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी भाई वाली में भी टायर लग रहे हैं, उसकी वीडियो भी बन रही है साथ में, ठीक है, तो वो भी वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।